हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको वर्क सैम्पलिंग के जो सम्स पूछे गए हैं, विंटर 17 और समर 19 3 मार्क्स, विंटर 17 4 मार्क्स, 69 और 70 वाला जो सम है वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। दोनों सम बैक टू बैक सॉल्व कराऊंगा, वर्क सैम्पलिंग के ऊपर है। देखो किस तरह से सॉल्व किया जाता है, फटाफट देखते हैं इस सम्स को। कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम फॉलोइंग डेटा एज पर वर्क सैम्पलिंग। देखिए आउटपुट पर शिफ्ट है, सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, प्रोडक्शन। तो गिवन डेटा लिखते हैं सबसे पहले, जो आउटपुट है आउटपुट पर शिफ्ट कितना है। अब देखिए आउटपुट पर शिफ्ट है 8 आवर्स के शिफ्ट में 200 पीसीज बनाए जाते हैं। प्रोडक्शन टाइम गिवन है यहाँ पे, प्रोडक्शन टाइम। ओके, प्रोडक्शन टाइम एज पर वर्क सैम्पलिंग ये है, ये है ना, एज पर वर्क सैम्पलिंग। एज पर वर्क सैम्पलिंग कितना है, 80% है। और रेटिंग गिवन है यहाँ पे, रेटिंग इज इक्वल टू 110% का रेटिंग गिवन है। ओवरऑल अलाउंस गिवन है। ओके, सो थोड़ा हैंड राइटिंग के लिए माफ़ कर देना। ओके, 20% का अलाउंस है। चलो, तो सबसे पहले कैसे क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम टोटल प्रोडक्शन टाइम निकालेंगे। टोटल प्रोडक्शन टाइम, टोटल प्रोडक्शन टाइम इन अ शिफ्ट। शिफ्ट में हम सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन टाइम कितना है, तो देखिए टोटल प्रोडक्शन टाइम जो रहता है 80% है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, 8 आवर की हमारी शिफ्ट है, तो 8 आवर्स हो गया और हम उसको 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। और उसमें क्या करेंगे, ये वर्क सैम्पलिंग है यानी 80% ही प्रोडक्शन टाइम है, यानी इतना ही टाइम पे ऑब्जर्वेशन हो रहा है, इतना ही टाइम पे यहाँ पे काम हो रहा है ऐसा ऑब्जर्व किया गया, तो 80%। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर लिखेंगे ना, तो 0.8 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना आंसर आता है, ये 8 × 62 × 0.8, तो 384। ठीक है, ये इतना मिनट का हमारा क्या है, टोटल प्रोडक्शन टाइम है। तो एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है वो देख लेते हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन टाइम यहाँ पे निकाल लेते हैं। प्रोडक्शन टाइम टू मेक वन पीस, टू मेक जो पीस है, तो पीस की लैंग्वेज यूज़ करेंगे। टू मेक वन पीस, एक पीस बनाने में कितना टाइम यूज़ हुआ होगा, तो थ्री टोटल जो टाइम है डिवाइड बाय कितने पीस बने हैं वो डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, प्रोडक्शन टाइम टू मेक वन पीस, वन पीस बनाने के लिए कितना टाइम लगता है वो देख लेते हैं। सो 1.92 मिनट यहाँ पे लगता है ना, 1.92 मिनट लगता है एक पीस को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑब्जर्व टाइम हो गया ऐसा, देखो ये ऑब्जर्व टाइम हो गया। अब बेसिक टाइम क्या होता है हमारा, ऑब्जर्व टाइम इनटू जो रेटिंग है, तो रेटिंग इज वर्कर्स रेटिंग डिवाइड बाय हमारा स्टैंडर्ड रेटिंग। ओके, वर्कर्स रेटिंग अपॉन स्टैंडर्ड रेटिंग। ये लास्ट वीडियो में हमने सब कुछ समझाया था अच्छे से, इसको। तो ऑब्जर्व टाइम कितना है, 1.92 हो जाएगा। रेटिंग हमारा वर्कर का कितना रेटिंग गिवन है, 110 गिवन है, 110। और स्टैंडर्ड रेटिंग तो आप सभी को पता है कि कितना लेना है। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बेसिक टाइम आ जाएगा। ओके, सो 1.92 इंटू 110 डिवाइड बाई 100, सो 2.112 मिनट का हमारा बेसिक टाइम आ रहा है। अब खाली क्या फाइंड करना है हमें, स्टैंडर्ड टाइम फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू बेसिक टाइम प्लस जो भी अलाउंस देते हैं ऑन स्टैंडर्ड टाइम, है ना। थोड़ा फास्ट और डायरेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे, कितना अलाउंस है, देखिए कितना अलाउंस है, 20% का अलाउंस है। सो मैं यहाँ पे 0.2 इंटू 2.112 कर दूंगा। ओके, तो 2.112 तो टाइप है हमारे कैलसी में, 0.2 मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस वापस 2.112 कर दीजिए, 2.534 यहाँ पे 534 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम आ रहा है। ठीक है, देखो कितना आसान सम था। नई चीज़ क्या थी यहाँ पे, कि बेसिक ऑब्जर्व टाइम निकालना था। ऑब्जर्व टाइम को निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल प्रोडक्शन जो टाइम था तो वो 8 आवर था, उसको मिनट में कर दिया, तो ये इतना है, बट एक्चुअली इतना काम नहीं होता इसमें, हमने काम कम कर दिया। 384 होता है, देखिए 480 मिनट का टोटल 8 आवर बनता है, बट इतने मिनट काम नहीं होता। काम कितने मिनट होता है, 384 मिनट ही होता है।
ठीक है। सो इस हिसाब से हमने किया है ना यहाँ पे। चलो तो ये सम समझ आ गया। अभी आज का वीडियो का लास्ट सम, ये वीडियो का लास्ट सम है हमारा। कौन सा सम है हमारा? देखिए 70 वाला, ये कॉन्फिडेंस लेवल वाला सम है। देखिए तो इसको सीख लेते हैं किस तरह से इस सम को किया जाता है ना। चलो फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिक्वायर्ड ऑफ फॉर 95% कॉन्फिडेंस लेवल है यहाँ पे। तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल के एक फार्मूला है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। 5% का एक्यूरेसी है ओके यहाँ पे। तो जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी कितना है? एक्यूरेसी को एस बोला जाता है ओके। 5% का एक्यूरेसी है। यहाँ लिखे कि टाइम फॉर विच एक्टिविटी एक्टिविटी सीन आइडल, कि कितने टाइम में एक्टिविटी आइडल देखी गई थी, कितने टाइम, कितने टाइम यानी यहाँ पे क्या गिवन है? 25% ना। सो 25 डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, ऐसा मान लेते कि यहाँ पे 100 ऑब्जर्वेशन किए गए हैं, 0.25 इतनी बार ओके। और यहाँ पे लिखेंगे फॉर 25, सॉरी 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 95, फॉर 95% कॉन्फिडेंस लेवल। अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल है तो उसके लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड एन इज इक्वल टू, तो इसका फार्मूला है हमारे पास है ना। तो फार्मूला है 4 1 माइनस पी डिवाइड बाय, तो पी जो है ये है ना, दिस इज पी, यहाँ पे पी लिख देता हूँ मैं, और एस तो बताया हुआ है मैंने ओके। तो यहाँ पे आएगा एस स्क्वायर पी ओके। तो इस तरह से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करेंगे। तो 4 1 माइनस जो पी है, पी कितना है? 0.25 है। एस स्क्वायर, एस हमने लिया है 5%, सो 5% यानी कितना हो जाएगा? 0.05 हो जाएगा है ना। फैक्टर लेना है यहाँ पे, 0.05 का स्क्वायर, और पी पी जो है वापस हमारा 0.25, तो यहाँ से एन आ जाएगा अपना ओके। सो एन इज इक्वल टू कितना है देखिए, 4 (1 - 0.25) डिवाइड में जाएगा 0.05 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 0.25 भी ओके। 4800। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिक्वायर्ड कितना आएगा? 4800 ठीक है। ऑब्जर्वेशंस तो इतने ऑब्जर्वेशंस करने पड़ेंगे है ना ऑब्जर्वर को ठीक है। तो ये सम हो चुके हैं। देखिए वर्क सैम्पलिंग वाले जो दो सम्स पूछे थे एग्जाम में, ये दोनों मैंने आपको करवा दिए हैं ओके। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये चैनल आपको बहुत बहुत हेल्पफुल आएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, अभी भी और फ्यूचर में भी ठीक है। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।